Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Chalu and today we will discuss the most important chapter of bio for the 10th class, that is chapter number 6, life processes. And in this chapter we will study the nutrition, respiration and transportation and excretion. So first, in the first video we will discuss only the nutrition portion. So let's start the video. What is nutrition? सब देखते हैं हम कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, आपको पूरा फिनिश करना है, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स है, इसमें लॉट ऑफ विटामिन्स है, इसमें मिनरल्स हैं, ऐसा है. तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? कि जब भी हम खाना उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं, फूड मटेरियल को, तो हमें उसको यूटिलाइज करना है. क्यों? क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलेगी. तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी, ताकि उसकी सारी एनर्जी को हम गेन कर सके. न्यूट्रिशन टू टाइप्स की होती है बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, यानी अपना खाना खुद बनाना. प्लांट्स विल हैव अ कैपेसिटी टू मेक देयर ओन फूड, उनके पास ऐसी कैपेसिटी है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. तो उनको हम बोलते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड मटेरियल. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब अदर, यानी दूसरों पे डिपेंड करता है जब कोई, तब हम उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं. अब प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, पानी में हम कई बार ग्रीन कलर की काई देखते हैं तो हम बोलते हैं इसके ऊपर क्या है, एल्गे प्रेजेंट है. और एल्गे में भी डिफरेंट टाइप्स होती है. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, इनके पास फोटोसिंथेसिस शो करने की कैपेसिटी होती है, जैसे कि प्लांट्स में. प्लांट्स विल शो द फोटोसिंथेसिस, सिमिलरली ब्लू ग्रीन एल्गे भी हमारा फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. और अपना खाना खुद बनाना इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका, कि सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज करवा देना, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देना, इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस. तो ये दोनों ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है और जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और जो फंजाई हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. मतलब या तो डायरेक्ट हम ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी हमारा आटा दाल जो भी है हम खा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है. और इनडायरेक्टली किस तरह से, जब भी हम फूड चेन्स देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि देयर इज अ ग्रास विच इज ईटन अप बाय द काओ, एंड काओ इज ईटन अप बाय द टाइगर. तो हम बोलते हैं कि इनडायरेक्टली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में. तो हम बोलते हैं इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. इसका मतलब हुए या हम हेटरोट्रॉफ्स हुए, हम दूसरों पे तो डिपेंड है ना. तो हम जब फूड मटेरियल दूसरों से गेन करके हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो न्यूट्रिशन आपका कौन सा है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें हमने बात की कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, है ना. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं. ये क्या है फोटोसिंथेसिस? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिंपल से इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, ठीक है. ये आपका प्लांट है, इस डायग्राम देखिए, यहाँ पे देयर इज अ सनलाइट, और सनलाइट प्लांट्स पे गिर रही है. इस लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, आपका ये पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट. और इन दोनों के प्रेजेंस में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है और जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के थ्रू, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे. और ये जो ग्लूकोज है, अब ये जो बन गया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बन गई. ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज शोन बाय प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया थे? ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो की अपना खाना खुद बनाया है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें। इसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये किस फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि विच इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट। तो स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट्स में, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, ये जो आप पढ़ रहे हैं जिसको आप बोलते हैं कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट्स बिकॉज दे कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। ये इसमें हुआ क्या है, इसमें थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स हुए हैं जो कि आपको लर्न रखने हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो हम ग्रीन पिगमेंट की बात कर रहे थे, विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल, विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेल, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन लीव्स में। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है, ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। इसने सबसे पहले लाइट को कर लिया एब्जॉर्ब, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे लाइट को किया एब्जॉर्ब, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुई ना क्लोरोफिल ने, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई। और केमिकली वहां पे क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हो गया। वाटर कहाँ से आया था, रूट्स ने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था वाटर। ये जो वाटर है ये क्या हो गया, स्प्लिट। अगर स्प्लिट होता है वाटर तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको हम किसी में ऐड करवा देंगे, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई, पढ़ा है हमने, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना, केमिस्ट्री में देखते हैं व्हाट इज रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन ऐड करना किसमें है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना प्लांट्स, उसमें हमने ये ऐड करवा देना है, और फिर इसे C6H12O6 बनवा देंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, आपके तीन है। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, थर्ड स्टेप इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे इसमें ऐड अप होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी ग्लूकोज में, C6H12O6। ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो रिएक्शन क्या है, देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, there is a water which is absorbed by plant through the roots, ये भी plants में present है। दोनों आपस में react हुए, लेकिन आपको splitting of water याद रखना है कि water split होके जो hydrogen देगा, hydrogen की addition इसमें होती है, और फिर बनता है ये carbohydrate, यानी ये glucose आपका फिर बनता है। ये जैसे ही बना oxygen भी बनी, oxygen atmosphere में release हो गई, atmosphere में चली गई। ठीक है, ये arrow क्या show कर रहा है कि ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में चलेगी, इवॉल्व हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, क्लोरोफिल एज अ ग्रीन पिगमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज ऑर्गेनेल इन द ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो ये हुआ फोटोसिंथेसिस, तीन स्टेप्स हैं आपको याद रखने हैं। दीज स्टेप्स अकर इमीडिएटली वन आफ्टर द अनदर, अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं आकर करेगी अच्छे से, ग्लूकोज आपका जो आप कुछ स्टेप्स कर रहे हो ये नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आपके लीफ में ऐसा क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट कब दिखेगा, आपको क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, किस तरह से लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो आप अच्छे से उसका क्रॉस सेक्शन किस तरह से होता है। तो सेल के जो ऑर्गेनेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसमें है क्लोरोफिल। कैसे पता चला, ये लीफ का कुछ कट पोर्शन हमने उठा लिया, उसको देखा, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमने देखा कि ऊपर जो सॉफ्ट सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं हम, उसके नीचे होता है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस की लेयर है, देन सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस की लेयर है, बीच में ये मीजोफिल की लेयर है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज मीजोफिल की लेयर। इसमें बहुत सारे नेमिंग नहीं, बस मीजोफिल की लेयर है,
उसमें ये जो फर्स्ट रो है सेल्स की, इसमें हमने ऑर्गेनेल देखा कि ग्रीन कलर का कुछ प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे तो कितना क्लियर है, यहाँ पे ग्रीन कलर की ये जो आपका ऑर्गेनेल है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट. ये ग्रीन पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज नोन एज क्लोरोफिल, और इसी को कहते हैं क्लोरोफिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि पहला स्टेप ही इसी से था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो आपको क्या याद रखना है, अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आपको सबसे ऊपर वाली वैक्स वाली क्यूटिकल लेयर जो है वो याद रखनी है. उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास अपर एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस था, ये याद रखना है आपको. फिर आपको याद रखना है क्या, आपके पास इस तरह से लॉन्ग मीजोफिल के जो सेल्स है उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, आपको ये याद रखना है. सबसे नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस की लेयर याद रखनी है, और उन्हीं एपिडर्मिस की लेयर में आपको गार्ड सेल्स दिखाई देंगे, जिनके बीच में आपको स्टोमेटा यानी स्टोमेटल पोर दिखाई देगा आपको. ये देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट लेयर थी उसमें ये दो आपको गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके बीच में ये जो पोर है दिस इज स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर आपको दिखाई देगा, ये रहा स्टोमेटा. दो गार्ड सेल्स है उसके बीच में आपको स्टोमेटा भी दिखाई दे रहा है. क्या है के लिए होता है स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज के लिए, आगे देखेंगे हम. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही था कि जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे थे, किसके लिए, अपने फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए. जब कोई दूसरों पर डिपेंड करता है तब हम उसको बोलते हैं वो कौन सी न्यूट्रिशन जो कर रहा है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको सेप्रोफिटिक भी होता है, होलोजोइक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है. सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि जब डेड डीके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं ना अपने सर्वाइवल के लिए, तब वो शो कर रहे होते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. और वो किस तरह से न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स या जो फूड है उसकी डाइजेशन किस तरह से करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, किस तरह से उनके बॉडी में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज हो जाते हैं कहाँ, बॉडी से बाहर फूड मटेरियल के ऊपर. जैसे ही फूड मटेरियल के ऊपर ये एंजाइम अपना वर्क करते हैं यानी उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन हो रही है बॉडी से बाहर, और डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. फूड कौन एब्जॉर्ब करेगा उसको, जो आपके ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड, आपका ईस्ट और जो फंजाई है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, तो ये तीनों आगे ऐसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करने वाले. नाउ देयर इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक होल ऑफ द मटेरियल, ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर आपकी डाइजेशन चल रही है, मतलब बॉडी के अंदर जितना भी आपने फूड मटेरियल लिया है, द होल मटेरियल यू आर टेकिंग and then you are breaking it down into the different parts. आपने उसको different parts में break कर दिया and you absorb it. आपने उसको क्या किया है, ingest किया पहले, फिर digest किया, फिर assimilate किया, absorb किया, assimilate किया, और फिर आपने जो unwanted material है जो आपको नहीं digest हो रहा है वो आपने body से, और जितना आपको waste material लग रहा है body के अंदर उसको आपने excrete कर दिया अपनी body से. This is known as a holozoic nutrition. The last is a parasitic nutrition. What is parasitic nutrition? Parasite मतलब दूसरों की body के ऊपर रह के आपको without killing them आपको वहां से nutrient gain करना है अपने survival के लिए. For example, जितना आपका ये lice होते हैं या ticks होते हैं या leeches होते हैं जो blood sucking होते हैं animals, ठीक है, मॉस्किटो होते हैं जो ब्लड ब्लड पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, या टेपवर्म है जो स्टमक में हमें, जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो हमें बोलते हैं पेट में दर्द हो रही है, पेट में कीड़े होंगे, तो हम ये देखते हैं कि देयर इज अ टेपवर्म इन द स्टमक विच डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक. वहां पे ब्लड को सक करके या
जो हमने खाना खाया है वहीं से न्यूट्रिएंट गेन करके वो सर्वाइव कर रहा है वहां पे। नाउ अगर प्लांट्स की बात करें, देयर इज अ अमर बेल, ठीक है। ये अमर बेल क्या करती है, ये भी दूसरे प्लांट्स से ही न्यूट्रिशन गेन करके और खुद सर्वाइव कर रही है। इसका मतलब व्हेन द ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, दूसरों को बिना किल किए हुए डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर बॉडी, देन इट इज नोन एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और अभी क्या है, कर लिया हमने सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक की होल ऑफ द मटेरियल को गेन करके उसको ब्रेक डाउन करना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों को विदाउट किल करते हुए वहां से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेना, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ देयर इज अ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा कैसे करता है, होलोजोइक, होलोजोइक मतलब होल ऑफ द मटेरियल को, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर लेके फिर उसको ब्रेक कर देना डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि ह्यूमंस भी करते हैं। अब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वाला तो नहीं है, तो किस तरह से डाइजेशन करते हैं, फूड मटेरियल को सबसे पहले करना है सेंस, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वॉल्स फीड, जिसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज सीडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया दे सराउंड द फूड। जैसे सराउंड कर लिया, ले लिया, तो उन्होंने क्या बना दिया, दे मेक द फूड वैक्यूल इनसाइड देम। जैसे फूड वैक्यूल बना और उन्होंने क्या कर दिया, उस फूड वैक्यूल के अंदर इंजाइम्स रिलीज कर दिए। जैसे ही इंजाइम्स रिलीज करे, इंजाइम्स ने हेल्प करा डाइजेशन करने में, जैसे फूड डाइजेस्ट हुआ, उसको इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कर लिया एब्जॉर्ब, और अगर एब्जॉर्ब कर लिया है जो फूड नहीं चाहिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनवेस्ट मटेरियल है, जो उनका वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से क्या कर दिया, बाहर एक्सपेल कर दिया, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें है, अमीबा में, और हमारे में भी। तो हम अपना देख लेते हैं, इन द ह्यूमन वी हैव फाउंड दैट वी हैव अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होल ऑफ द मटेरियल को इनटेक करते हुए उसको क्या करना है, इंजेस्ट करना है सबसे पहले, फिर क्या करना है उसको डाइजेस्ट करना है, फिर क्या करना है उसको एब्जॉर्ब करना है, फिर क्या करना है उसको एसिमिलेट करना है, ठीक है। एसिमिलेट करने के बाद क्या करना है उसको, अगर नहीं चाहिए, अनवांटेड मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, तो इजेस्ट करना है, यानी एक्सपेल आउट करना है बॉडी से, इजेशन करना है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो ह्यूमन शो करते हैं। सबसे पहला है माउथ, जो आपका मेन ऑर्गन है जहां से डाइजेशन स्टार्ट होती है, वो भी उसमें भी सबसे पहला पोर्शन किसका है, टीथ का। टीथ क्या करता है, फूड को च्यू करने में, चबाने में, क्रश यानी तोड़ने में उसको, क्योंकि अब हमने मैंने कहा कि फूड, हम जो भी फूड है होल ऑफ द मटेरियल ले रहे हैं, तो उसको ब्रेक तो करना ही है, तो ब्रेक करने में सबसे पहले टीथ हेल्प करते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, ये डिफरेंट टीथ होते हैं ना हमारे, तो इन्होंने क्रश कर दिया फूड को। फिर टंग हेल्प करती है, टंग उस फूड को वेट कर देती है। कैसे, जैसे ही खाने को देखते हैं तो हम बोलते हैं ना मुंह में पानी आना शुरू हो गया, तो वेट कर दिया, उसमें सिर्फ वाटर नहीं, सलाइवा इज ऑल्सो देयर विच इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे चीन के पास, यहाँ पे कान के एरिया के पास पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, सो दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स। व्हाट दे डू, दे रिलीज सम बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं, और उसमें आपको सबसे मेन जो है वो याद रखना है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज आपका रिलीज करता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमने लिया ना, हमने कहा कि हमने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा था, स्टार्च था, तो स्टार्च हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। स्टार्च खुद में एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, हमने उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सो दिस इज अ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा, एंड ऑल्सो वो जो आपका टंग है वो सिर्फ वाटर या सलाइवा ऐड नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट करवा रहा है फूड की। इधर उधर हम टंग की हेल्प से पूरे माउथ में किस तरह से घुमाते हैं फूड को, ठीक है, ताकि अच्छे से उसमें
वेटनेस आ सके, अच्छे से उसमें स्लाइवरी अमाइलेज एड अप हो सके, ताकि अच्छे से उस स्टार्च को हम कन्वर्ट कर सके सिंपल शुगर में. नाउ वो जो फूड है अब वो इजी हो गया हमारे लिए कि हम उसको अंदर लेके जा सकते हैं. कहाँ लेके जाना है? सबसे पहले माउथ का काम था, उसका काम था कि जितना भी स्लाइवरी अमाइलेज है वो साथ में ऐड कर दो, तो वो तो कर दिया, उसका काम खत्म हो गया. अब ये जो फूड पाइप है यहाँ लेके जाना है, तो ये जो फूड पाइप है इसका नाम क्या है? इसोफेगस. तो इसोफेगस में हमने फूड पाइप के अंदर अब फूड ले लिया है. अब क्या करेंगे? वहां पे कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जो आपका फूड पाइप है वो कंट्रैक्शन से फूड को अंदर लेके जाएगा स्टमक में. ये जो कंट्रैक्शन है जिससे फूड अंदर जाएगा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका शुरू हो जाएगी. दिस इज पेरिस्टाल्सिस इंपॉर्टेंट आपका, द कंट्रैक्शन बाय विच द फूड कैन बी दैट द फूड गो इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज अ पेरिस्टाल्सिस. अब फूड चला जाएगा अंदर, लेकिन जाएगा कहाँ पे? इंजेशन तो कर लिया, अब हमें करना है डाइजेशन. डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्टमक. स्टमक ओइसोफेगस आपका था, वहां से फूड आया स्टमक के अंदर चला गया. स्टमक में सबसे मेन क्या है कि आपका HCl प्रेजेंट होता है. तो पीएच कितनी हुई स्टमक की? 1.5 to 3, इतना पीएच है जो आपको याद भी रखना है. और स्टमक में म्यूकस की लेयर होती है, ये स्टमक है तो इसके ये जो है म्यूकस की लेयर है. क्यों? अंदर HCl है. अब वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पीएच के हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब स्टमक एसिड की प्रेजेंस में तो जल जाएगा? नहीं जलेगा, वहां पे म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द HCl. ठीक है, अब ये जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, जब भी हम स्टमक की बात करते हैं ना तब हम ये वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रिक. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो क्या रिलीज करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों चाहिए? क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए फूड की डाइजेशन के लिए. ठीक है, एसिडिक मीडियम और क्यों चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि पेप्सिन से अच्छे से काम करवा सके, क्योंकि पेप्सिन काम ही एसिडिक मीडियम में करता है. अब पेप्सिन क्या है? इट इज अ एंजाइम विच इज यूज टू कन्वर्ट द प्रोटीन. खाने के अंदर जितना प्रोटीन है ना, और प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हमने उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? अमीनो एसिड्स में. तो प्रोटीन की जो कन्वर्जन है अमीनो एसिड्स में वो कौन करता है? पेप्सिन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लर्न रखना है व्हाट इज द वर्क ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक. द वर्क ऑफ पेप्सिन इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये उसका काम है. और वो काम किस मीडियम में करता है? एसिडिक मीडियम में. इसीलिए स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है? HCl. HCl को कौन रिलीज कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. कहाँ प्रेजेंट है भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड? जब वर्ड ही गैस्ट्रिक है तो स्टमक वर्ड याद रखना है. ऑल्सो देयर इज अनदर फंक्शन ऑफ द HCl की जितना हार्मफुल बैक्टीरिया है स्टमक के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ फूड वैसे ही खाया है कि जिसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक. अब स्टमक का काम खत्म हो गया, तो जब भी स्टमक का काम खत्म होता है बेटा, ये जो इसोफेगस था जिसके फूड पाइप के थ्रू जब भी स्टमक के अंदर खाना आ रहा था ना, तो यहाँ पे एक रबर बैंड की तरह मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को अंदर अगर पास कर देते हैं तो वो रबर की तरह अपने आप को टाइटन कर लेते हैं. उसी तरह से जब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, तो यहाँ पे भी उसको पास अप होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो पास होने से पहले यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल्स है, उसको उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल. आपको तो बस इतना याद रखना कि देयर इज अ स्फिंक्टर मसल. वो क्या करता है? हेल्प करता है एग्जिट ऑफ द फूड में, फूड को बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है. रबर की तरह है, थोड़ा ओपन अप हो जाएगा जैसे फूड पास होगा, फिर कंट्रैक्ट हो जाएगा रबर की तरह. ठीक है, तो फूड जो है अब वो कहाँ पास हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होगी, लेकिन डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? लीवर करता है, गॉल ब्लैडर करता है, पैनक्रियास करते हैं. ये तीनों क्या करते हैं? जब भी हम लीवर की बात करते हैं बेटा, तो हिपैटिक वर्ड याद रखना पड़ता है.
लीवर के जो हिपाटिक सेल्स होते हैं वो बाइल की फॉर्मेशन करते हैं, बाइल जूस की फॉर्मेशन करते हैं। और बाइल जूस जो है वो क्या करता है, अब स्टमक के अंदर, क्योंकि एसिडिक मीडियम था, अब स्टमक का काम तो खत्म हो गया, हमने फूड को अल्केलाइन बनाना है, क्योंकि फूड एसिडिक बन गया है, अब हमने उसको अल्केलाइन बनाना है। कौन बनाता है? बाइल सॉल्ट्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं? बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स इसको अल्केलाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर सकें, फैट्स के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ के छोटे ग्लोब्यूल्स बनाने हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, इसको बोलते हैं इमल्सिफाई करना। तो ये जो इमल्सिफिकेशन है ये कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। कोई भी ऑयली चीज खाते हैं तो उसमें फैट्स होते हैं ना, फैट्स के जो बिग ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटों वालों में, छोटे मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और कौन कर रहा है उसको? बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ठीक है। बाइल तो यहाँ पे बना, लीवर, लीवर विल फॉर्म द बाइल, बाइल जूस यहाँ पे बना, लेकिन उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है। स्टोरेज कहाँ हो रही है? ये लीवर था, यहाँ पे बाइल बन रहा है, स्टोरेज इसके अंदर हो रही है, ये ग्रीन पोर्शन जो आपको दिख रहा है दैट इज गॉल ब्लैडर, यहाँ पे स्टोरेज हो रही है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो पाइप्स दिख रही हैं आपको, ये आपकी क्या है? डक्ट, बाइल डक्ट है, मतलब यहाँ से होते हुए ना ये बाइल कहाँ एंटर कर गया? पैनक्रियास में। अब पैनक्रियास भी हेल्प कर रहे हैं किस तरह से? पैनक्रियास के पास बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम्स होते हैं अलग अलग फूड मटेरियल की डाइजेशन के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला है पैनक्रियास ने सेक्रीट किया, क्या सेक्रीट है? पैनक्रियाटिक जूस। अब उस पैनक्रियाटिक जूस के पास क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेस एंजाइम, अमाइलेस एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डाइजेशन करवानी है, प्रोटीन की डाइजेशन किसने करवाई? ट्रिप्सिन ने। लाइपेस ने क्या करवाया? इमल्सिफाई किया फैट को, जो बिग फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको स्मॉल वाले ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? लाइपेस। इसका नाम ही लाइपेस है, यानी लिपिड को, यानी फैट्स को इमल्सिफाई कर रहा है। उसके बाद अमाइलेस, कार्बोहाइड्रेट्स भी तो हैं फूड में, उनको डाइजेशन करने का काम कौन कर रहा है? अमाइलेस। यानी मैंने कहा था ना जो कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट तो करना ही है हमने, कौन करेगा? अमाइलेस। ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस, तीन नाम याद रखने हैं, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लाइपेस फॉर फैट डाइजेशन, एंड अमाइलेस फॉर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। अब इन तीनों ने कहाँ पे सिक्रीशन दी है अपनी? इन तीनों ने अपनी सिक्रीशन दी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फर्दर आपका डाइजेशन होगा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? ऐसी, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है किस तरह से, पूरी तरह से लॉन्गेस्ट कॉइल्ड, कॉइल्ड पार्ट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, इतना ज्यादा कॉइल्ड है कि लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसके अंदर क्या है, अगर इसका कट सेक्शन देखिए तो देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को भी अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इनका व्यू देखें तो इस तरह से आपको माइक्रोविलाए दिखेंगे। एक तो खुद ही इतनी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं, उसका भी माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो आपको माइक्रोविलाए दिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमें क्या है, हमें ये देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। हर किसी चीज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इनको हेल्प कौन कर रहा है? लीवर हेल्प कर रहा था, पैनक्रियाज हेल्प कर रहे थे। इनके पास था क्या? इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो क्यों है इनको मिला हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर भी अगर मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक हम देखें तो माइक्रोविलाए प्रेजेंट है जिनके पास ब्रश बॉर्डर है,
एब्जॉर्प्शन के लिए और कहाँ प्रेजेंट है, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके विलाए और फिर विलाए के ऊपर माइक्रोविलाए प्रेजेंट है, ताकि और ज़्यादा सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन किसके साथ है, ब्लड वेसल्स के साथ, ब्लड वेसल्स इनके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे देख रहे थे ना आप, ये देखो माइक्रोविलाए हैं और किस तरह से ये रेड और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके ब्लड में। तो यहाँ पे आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें डाइजेशन हर किसी चीज़ की हो रही है, क्यों, क्योंकि हेल्प कर रहा था लीवर और पैनक्रियाज। और आपको ये वर्ड याद रखना है, विलाए, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो पास अप हो जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज द लास्ट पार्ट, इसमें अनएब्जॉर्ब फूड जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट हेयर, विलाए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, और जो रेस्ट ऑफ द फूड है जो विदाउट वाटर है इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस पोर्शन। तो एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड थैंक यू। यहाँ पे न्यूट्रिशन आपका पोर्शन फिनिश होता है और रेस्पिरेशन नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, and please subscribe the channel and share it with your friends ताकि उनकी भी help हो सके। thank you बच्चे।